आपके सामने जो ये तस्वीर है ये कोई इंसान नहीं तोड़ा है, किसी जेसीबी या बुलडोजर से नहीं तोड़ा गया है, ये बाढ़ की विभीषिका है, गंगा का रौद्र रूप है, गंगा का अभिशाप इसे कह सकते हैं। ये तस्वीर जो है ये शाहपुर प्रखंड के जवैनिया गांव की है, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार गंगा नदी के द्वारा कटाव किया जा रहा है और अब तक ग्रामीणों के मुताबिक लगभग 100 घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। जो तस्वीरें हैं वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, इसे आप तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि एक पत्रकार के माध्यम से उसके पास अब शब्द नहीं बचे हैं जो कि इन गांवों के ग्रामीणों के दर्द को बयां कर सके। देखिए ये जवैनिया गांव के राम जी का घर है और ये तस्वीर देखिए कि आधा घर इनका गंगा में विलीन हो चुका है और अभी जहां हम खड़े हैं खतरों के निशान के पार खड़े हैं, ये कभी भी घर गंगा में विलीन हो सकता है। तस्वीर एक बार और आप देखिए कि ये राम जी की पत्नी है और जो बचा खुचा सामान है जो गंगा के द्वारा अभी छोड़ा गया है उसको ये समेट करके यहाँ से निकलने की तैयारी में है, क्योंकि महज चंद मिनटों में ही ये घर धराशायी कभी भी हो सकता है। ये कब से आपका घर गिर रहा है? हमने के घर जाने के ये गिर गोल जीतिया के अब फिर मेरा भोर में से काम लागल बा। आज भोरों में गिरल? हाँ भोरों में से कुल धर के काम लागल था। घर में कितना परिवार भरा हुआ? हमारे घर में बन जाए 30 परिवार। हमें स्कूल में लड़का बन सब लोग को पहुँचा देने? हाँ स्कूल आए में बेटी पतो रख ले बनी स्कूल पहुँचा देने। हाँ अब रहो जाता नहीं? हाँ जाता नहीं, वही जे सामान उमान लेकर के सब। हाँ वो जे जाता नहीं, सामान लेके जाता नहीं। सामान ले? हाँ चार गो तीन गो लड़का हमारे बालक तीनों जने के शादी सब जने के परिवार हो गई बा। हाँ तब वो जो रख ले बनी स्कूलवा में। कैसे जीवन कटी, कितना पैसा खर्चा कर ले रही मकान में? जान कहीं देखी जमीन हम अपन ना रहा, बाबा जी के मलिकाना के जमीन रहा है और इन कर्जा काट के ला गया तो लता जर जात रहा लेकिन कलों से काट के कर्जा बना ली ही जाए कि अगिया के तो डर ना नू रही। तब देखी बनौनी जा हबे खबो ना कहनी जा गंगा जी लेके चल। कितना दिन पहले घर बनेले रहे? बहुत 3-4 बनावल। हाँ तने दिन बनावल। कितना पैसा लागल हो? 20-10 लाख कितना लागल हो? 20 लाख ले रुपया घर में लागल। सब कर्जा लेके बने? हाँ कर्जा लेके बनौल रही है जो का करिए, गरीब आदमी रोजी मजूरी करत आदमी खाता ऋण कर्जा काट के अपन कसम गलत कैले रही है जा। कर्जा भर देनी कहाँ अभी थोड़ थक भा बा रह गई बा आधा भराइल बा आधा रह गई बा। मकान चल? मकान चल गई का कर जान जे घर गिरल ता दिन हमनी के दू सास पतो ही के होश ना होत रहे दांत पर दांत लागत रहे। हमनी के त टांग टूंग के लोग होने फरका लेके गोई रहे हमनी के दांते ने छोड़ दे जैसे जे गरीब आदमी बड़ा बनावनी आ हमें खबर ना कोई अब जाके कहाँ रह इहे न बा अब बा जमीन जे हमरा शक्ति बजे किन के रख दी। अभी को लगा था कि रुआ रोयते बानी का करी धन के दाह नहीं खे जाते ननी का करी रहेला बाहर रहेला माने अथी। हाँ मजूरिए में कोनो सरकारी नौकरी नहीं के मजूरिए में। अब जीवन कैसे चली कहाँ रह? अब का कहीं कहाँ रह सरकार दी है तो रह न तो कतहूँ फिर जीवन कतहूँ कटही कतन बांध पर कटाई आ चाहे जहाँ कटाई इहे न बा आधार अब कौन हमने के आधार बा एगो हो चुकी ये जे ढहर घर एक जन के भल लैका तब कहाँ रखिए लमाते नैहर भेज दिले बनी हो चुकी ढहे के दिन भैले। तो आपने सुना है लालती देवी हैं जिनका घर आधा गंगा में विलीन हो गया है। एक बार फिर से हमने साथी से चाहेंगे कि इस तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरीके से गंगा में इनका घर आधा समा चुका है। 20 लाख कर्जा लेकर के इस घर को बनाया गया था महज 3 साल पहले और इस घर में ये लोग अभी ठीक तरीके से रहना भी शुरू नहीं किए थे कि ये घर गंगा अपने आगोश में ले ली है। और अब देख लीजिए कि यहाँ से छोड़ करके जैसे तैसे जितना सामान हो सकता है समेट करके ये लोग ले करके वापस अब गांव के स्कूल की ओर चले हैं और जो इनका आखिरी उम्मीद है वो राज्य सरकार ही है। राज्य सरकार के भरोसे ही बैठे हैं कि इनको सिर पर छत मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि जो जमा पूंजी थी वो इस मकान में जा चुका है। मेहनत मजदूरी रोजी रोटी चलाने वाला ये परिवार है अब दोबारा ये घर खड़ा नहीं कर सकता है लोग। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भोजपुर जिला प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 2 महीना से इस गांव में लगातार कटाव हो रहा है लेकिन कोई भी बड़ा पहल यहां के जनप्रतिनिधि हो या जिला प्रशासन के द्वारा हो नहीं किया गया है। ना के हो, ना के हो, ना के हो।
केहना हमने के झाके आला तक ले जब मोलू लोग जियलू लोग ऐसे रौरा लिखा दयाल आदमी बात के हुआ आयल तो चिवरा कुछ हाँ दे के गोल और सरकार कुछ नहीं कौन हमने के दे ले। हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बाकी यहाँ के जो लोग हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं वो हम बयां भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो राम जी की पत्नी है लालती, इनके द्वारा बताया गया है कि जब पहली बार घर टूटा, आधा हिस्सा गंगा में विलीन हुआ, तो इनकी बहू और इनको दांत लग रहा था, यानी कि ये लोग लगातार बेहोश हो रही थी। उससे आप इनके दर्द का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार हम अपने लोकल 18 के माध्यम से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को मदद के लिए समाज का जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो आगे आए या सरकार के द्वारा इस पर ध्यान दिया जाए। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।